नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी भर्ती, जो आपका 1 लाख से ज्यादा पदों पर आया था, जिसमें CCA वालों के लिए 20% का आरक्षण रखा गया था, जिसमें ऑल ओवर इंडिया से बात करें तो यहाँ पे 18,000 के आसपास फॉर्म फिलअप किए गए थे। और अगर जॉब की बात करें तो इसमें 12 से 13 हजार कैंडिडेट को ही CCA के अंतर्गत जॉब मिल पाया, जिसका सबसे बड़ा कारण था कि कट ऑफ डेट को क्वालिफाई ना करने के कारण बहुत सारे छात्रों को यहां पे रिजेक्ट कर दिया गया। हालांकि बहुत सारे ऐसे भी डिवीजन थे, आरआरबी थे, जहां से पैनल जारी हो गया और उन लोगों का ज्वाइनिंग करा दिया गया सीसीए छात्रों का, उसके बाद उन लोगों से ज्वाइनिंग वापस ले लिया गया। ऐसा भी कंडीशन इस बार सीसीए के छात्रों ने देखा है आरआरबी के गलती के कारण। अगर जैसे अभी आपका एएलपी का मॉडिफिकेशन हुआ, टेक्नीशियन में नए बच्चे फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, उसी प्रकार अगर 2019 वाले में भी रेलवे अगर आपका मॉडिफिकेशन लिंक ओपन कर देता तो हमारे 7 से 8 हजार CCA बच्चे को अभी रोजगार मिल जाता। परंतु कोई बात नहीं, जो वो अपना नियम कायदा कानून था, जैसे चलना था वैसे चले। परंतु साथियों, इस बार आप लोगों को मौका नहीं चूकना है। और अभी आपका 2019 वाली भर्ती को लेकर अपडेट आ रहा कि रेलवे की तरफ से एक फाइनल पैनल जारी किया गया है, जिसमें CCA वाले बच्चों को भी इंक्लूड किया गया है। तो सारी जानकारी आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पर फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। रेलवे का पल पल का अपडेट आपको वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। साथियों, अभी जो यहां पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के तरफ से आपका एक पैनल जारी किया गया है, जो रेलवे रिक्रूटमेंट से RRC सेंट्रल रेलवे लेवल 1 पार्ट पैनल 12 जो है यहाँ पे जारी किया गया, जिसमें आपका जनरल PWD के साथ साथ CCA के भी कुछ बच्चों का नाम आपको देखने को मिला। तो हमारे लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यही है कि CCA छात्रों को यहाँ पे जॉब 2019 वाली भर्ती के अंतर्गत अभी भी दिया जा रहा है, जो लोग सुटेबल हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। परंतु आप लोग ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे 12 अप्रैल 2019 का कट ऑफ डेट रखा गया था, और इसी कट ऑफ डेट के अकॉर्डिंग ही CCA वाले कैंडिडेट को जॉब प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है साथियों, इसीलिए हम आपको बार बार बोलते हैं कि आप जहां से भी रेलवे अप्रेंटिस कर चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आप अभी वर्तमान समय में रेलवे अप्रेंटिस कर रहे हैं और आपका रेलवे अप्रेंटिस पूरा होने वाला है, तो डिपार्टमेंट प्रेशराइज करके आप लोग अपना एग्जाम जल्द से जल्द कंडक्ट कराने का कोशिश करिए। अगर इस बीच कोई नोटिस आ जाता है या फिर फुल नोटिफिकेशन जारी हो जाता है, तो फिर लास्ट डेट तक ही आप लोग एलिजिबल रह पाओगे। जिसमें पिछला बैच में ऐसा देखने को मिला था कि रेलवे की गलती के कारण उनका एग्जाम तय समय पर नहीं होने के कारण यहां पर काफी हजारों छात्रों को 20% कोटा से उनको बाहर कर दिया गया था। तो ऐसा गलती आप लोग मत करिएगा। हम बार बार आपको यहाँ पे अनुरोध करते रहते हैं इन सब चीजों को लेकर, क्योंकि इसके रिगार्डिंग बहुत सारे छात्रों के पास कोई भी जानकारी नहीं होता है। वो बस इतना सोचते हैं कि हम रेलवे से अप्रेंटिस कर रहे हैं तो हमको 20% का कोटा रेलवे दे देगा। ऐसा नहीं है, उसका फुलफिल कंडीशन भी होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये आपका पार्ट पैनल 12 जो आपका प्रोविजनल पार्ट पैनल 12 के अंतर्गत जारी किया गया है, जिसमें अगर यहाँ पे बात किया जाए तो आपका IRRC सेंट्रल रेलवे की तरफ से आया है। ठीक है साथियों, RRC सेंट्रल रेलवे की तरफ से आया है, जिसमें यहाँ पे देखेंगे टोटल जो कैंडिडेट हैं वो आपका यहाँ पे 52 कैंडिडेट आपके जनरल वाले कैंडिडेट हैं 52, और यहाँ पे अगर बात करेंगे तो आपका 54 कैंडिडेट हैं जनरल वाले। ठीक है, और अगर CCA के अंतर्गत बात करते हैं तो CCA के अंतर्गत यहाँ पे 2 कैंडिडेट को रखा गया है, और PWD कैंडिडेट के अंतर्गत यहाँ पे 1 कैंडिडेट को शामिल किया गया है। अब मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, तो ये जो 2 कैंडिडेट है सेंट्रल रेलवे में जिनका सलेक्शन हुआ है, पूरे प्रॉफिट स्टडी के तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ताकि अब जो है उनका एक नया लाइफ यहाँ पे शुरू होता है। वो CCA के अंतर्गत इन सभी को जो जॉब है वो 100% कन्फर्म हो गया है। टेंशन मत लीजिए साथियों, मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारा नंबर कब आएगा, हमारा नाम लिस्ट में कब देखने को मिलेगा। अब वो घड़ी दूर नहीं है, बस 2024 का वैकेंसी आपका किसी भी पल यहां पे शॉर्ट नोटिस रेलवे की तरफ से जारी कर दिया जाएगा। इस बार लगे रहिए, 100% सफलता मिलेगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा करके सभी साथियों तक शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो लोग जिनका भी नाम आया है वो लोग से ये अपडेट बिल्कुल भी ना छूटे। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए रेलवे का पल पल के अपडेट के लिए, चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि रेगुलर अपडेट मिलते रहे। और ये जो आपका PDF है, हम टेलीग्राम पे अपडेट कर देंगे प्रॉफिट स्टडी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे, तो वहां से जाके आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।